ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया। ये इसका एडमिन पैनल है, मेन ऑनर पैनल है। इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं ऑलरेडी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कितना ऑर्डर है, कितना क्या नाम है स्टोर है, कितना सिटीज पे है, कितना डिलीवरी बॉय है, कितनी अर्निंग हुई है, कितनी पेंडिंग ऑर्डर है, कितना कैंसिल है और कितना ऑर्डर अभी तक कम्प्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, अब यह नोटिफिकेशन की बात है, तो नोटिफिकेशन में यूजर को नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, बस टाइटल डाले, मैसेज डाले, सब यूजर को पास चला जाएगा। स्टोर को अगर नोटिफिकेशन भेजना हो, स्टोर ओनर को यानी वेंडर को अगर नोटिफिकेशन भेजना हो, तो आप वेंडर यहाँ पे टाइटल डालिए हेडिंग का और यहाँ मैसेज डालिए, वेंडर को नोटिफिकेशन चला जाएगा। राइट, इसके अलावा इसमें जो ओटीपी का भी सिस्टम है कि जब कस्टमर ऐड का नया यूजर का ऐड होगा तो उसमें ओटीपी का सिस्टम है, ये इसका एसएमएस गेटवे लगा हुआ है। यहाँ पे गूगल मैप से इंटीग्रेट होगा आपका ऐप, जब भी कोई यूजर डाउनलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये कौन से स्टोर किसके बगल में है नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऐप का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे डिलीवरी फी आप मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको डिलीवरी फी लेना हो जो कितना से कितना तक का लेना है, यहाँ पे यहाँ 500 रुपये तक का आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 500 रुपये के अबव ये ऑर्डर जो होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बट 500 रुपये से नीचे अगर रखेंगे तो उसका 20 रुपये चार्जेस जाएगा। ये अपने हिसाब से आप सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम का बात कर लेते हैं यहाँ पे करेंसी की। करेंसी तो एक ही है आपका, INR ही रहेगा। और टाइम स्लॉट के, टाइम स्लॉट आप इसमें जो भी ऐड करना चाहें, जब से जब आपको क्लोज करनी हो, जब आपको ओपन करनी हो, तो ये सारी चीज इसमें टाइम स्लॉट आप इसमें डाल सकते हैं। राइट, इसके अलावा यहाँ पे जो सिटी डाल सकते हैं, जो कौन कौन से सिटी में आपको करना है, उस सिटी के अंदर कौन सी एरिया में आपको करना है, क्या मल्टी वेंडर का सिस्टम रखना है, वो चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिटी पे क्लिक करेंगे वो सिटी आप यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऐड ऐड सिटी पे क्लिक करके आप सिटी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप एरिया चूज करना चाहिए, इस एरिया में कौन सी सिटी है, तो वो एरिया वाइज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप ये सिटी है, उस सिटी के अंदर के जो एरिया है, छोटे छोटे एरिया है, वो एरिया हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका वेंडर का, वेंडर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे स्टोर का आएगा और स्टोर की अर्निंग आएगा, तो यहाँ पे स्टोर ऐड होगा, कितनी स्टोर है नहीं है वो दिखेगा। यहाँ पे अभी 3-4 स्टोर अभी दिख रहा है, नया स्टोर ऐड करना है, सिंपल है। अपना नाम डालेगा, एम्प्लॉय का नाम डालेगा और स्टोर का नंबर डालेगा, परसेंटेज डालेगा, उस स्टोर से कितना परसेंटेज लेगा नहीं लेगा, ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा और उसका सिटी जो सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे सिटी होगा और उस स्टोर का एड्रेस होगा। राइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपको करने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपका सिटी का भी डन, आपका एरिया का भी, स्टोर का भी डन। अब यहाँ पे स्टोर अर्निंग की बात कर लें, तो स्टोर अर्निंग की सारे जितने भी पेमेंट है वो आपके पास आएगा और वो जब आएगा फिर उसको आप अपने अपने हिसाब से उसको परसेंटेज काट के, जो भी उसका परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज काट के आप उसको पे कर सकते हो। पे कहाँ से करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये यहाँ पे डला हुआ है। जब भी कोई आप इसको थ्री शोल्ड डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पे का रिक्वेस्ट कोई डालेगा तो यहाँ पे का रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो खैर यहाँ अभी वो डेमो है, उसमें पे का रिक्वेस्ट डालने के लिए, हाँ इसमें पे का रिक्वेस्ट कितने अमाउंट तक में डालेगा, कितने मैक्सिमम अमाउंट होनी चाहिए, कितने मिनिमम अमाउंट होने चाहिए, वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि 5,000 के बाद आप पेमेंट करेंगे, 10,000 के बाद आप पेमेंट करेंगे या वीकली पेमेंट करेंगे, वो आप अपने हिसाब से अपने वेंडर के साथ आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टोर मैनेजर के डन। अब कर लेते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर की बात कर लेते, ऑर्डर यहाँ पे स्टोर जो है रिजेक्ट कर सकता है, स्टोर ऑनर जो है ऑर्डर रिजेक्ट कर सकता है, या अगर उसके पास नहीं है तो वो चीज़ें वहाँ से कर सकता है, तो यहाँ पे एडमिन पैनल उसको देख सकता है यहाँ पे कि वो रिजेक्ट किया है नहीं किया है, वो सारी चीज़ें इसमें चीज़ें देखी जा सकती है, कितने ऑर्डर कम्प्लीट हुआ नहीं हुआ वो यहाँ पे देखी जा सकती है, कितने ऑर्डर अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे देखी जा सकती है। राइट, इसमें सारी चीज़ें डे बाय डे आपको ऑर्डर के यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये तो पे रिक्वेस्ट का हो गया। अब रिवार्ड पॉइंट, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा ऑर्डर करता है उसको एक नया रिवार्ड पॉइंट दे, तो रिवार्ड पॉइंट चीजें सेट कर सकते हैं, यानी कॉइन की शक्ल में, अगर कॉइन की शक्ल में रिवार्ड देना चाहते हैं किसी ऑर्डर को, कस्टमर को लुभाने के लिए, तो आप ये चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। रिडीम वैल्यू, जो रिवार्ड पॉइंट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, जैसे एक पॉइंट की वैल्यू जो होती है यहाँ पे अभी जो दिया हुआ है वो 50 पैसे की है, यानी अगर आपका दो 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 रिवार्ड पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है 1 रुपया हुआ है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से रिवार्ड पॉइंट को अपने पैसे में भी कन्वर्ट कर सकता है कस्टमर, जब चाहे तब कन्वर्ट कर सकता है, ये ऐप में जाके करेगा। ठीक है,
ऐप में वो चीज प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पे बैनर डाल सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे ये फर्स्ट बैनर है जो ऐप के अंदर ऊपर टॉप वाला बैनर है, वही टॉप बैनर यहाँ पे डाल सकता है। फिर उसके अंदर दूसरा बैनर भी है, ऐप के बीचों बीच में बैनर है, वो बैनर यहाँ पे ऐड कर सकता है। ठीक है, ये आप ऐप अगर ओपन किए होंगे तो आपको पता होगा मे बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिलीवरी बॉय का भी ऑप्शन है। डिलीवरी बॉय आप जितना चाहे जिसको चाहे ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी एक डिलीवरी बॉय ये ऑन ड्यूटी पे है, मतलब ये डिलीवरी बॉय जो है अपना ऐप ओपन किया हुआ है और ये डिलीवरी बॉय अपना ऐप ओपन नहीं किया हुआ है। तो जो ओपन करके रखेगा यहाँ पे दिखेगा एडमिन को ये कौन ड्यूटी पे है और कौन ड्यूटी पे नहीं है। इसका डिलीवरी बॉय का सेट करना बिल्कुल सिंपल है। अपना डिलीवरी बॉय का नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिटी सेलेक्ट करना है किस सिटी के लिए डिलीवरी बॉय है और उसका एड्रेस डालना है, डिलीवरी बॉय का एड्रेस डालना है। ठीक है, लोकेशन एड्रेस, ये लोकेशन एड्रेस वही लोकेशन एड्रेस होगा जो आपका स्टोर का होगा। राइट, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे न्यू दिल्ली है या दुबई है, तो कोई नहीं कहा न्यू दिल्ली का मेल है, तो न्यू दिल्ली का जो एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग जो लोकेशन होगा, यहाँ पे जैसे मैं अभी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जामिया, ये ऑटोमेटिकली गूगल जो डिटेक्ट कर लेगा जो यहाँ पे एड्रेस किसका है, किस टाइप का है। जैसे एड्रेस हम अपना डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा एड्रेस गूगल की तरफ से उठेगा और यहाँ पे गूगल जो है खुद ब खुद डिफाइन कर देगा कि यूजर के नियर बाई स्टोर कौन सी है। ठीक है, इसके बाद आप कर लेते हैं मैक्सिमम ऑर्डर की, मिनिमम ऑर्डर की, कि आप यहाँ पे कितना ऑर्डर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, वो चीज़ आप कर सकते हैं कि मैं वैल्यू कितना कितना से कितना तक का ऑर्डर करे नहीं करे, तो ये चीज़ किया जा सकता है, यहाँ से सेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कूपन की बात है, यहाँ पे कूपन आप जनरेट कर सकते हैं, नया नया कूपन जनरेट कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। आप यहाँ ऐड कूपन में क्लिक करेंगे अपना कूपन इजीली आप जनरेट कर सकते हैं। कूपन का नाम डालना है, डिस्काउंट प्राइस डालना है और अमाउंट टाइप डालना है और वैल्यू डालना है इसका, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा यहाँ पे एक पेजेस में, पेजेस तो ये खैर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसमें अबाउट अस और कॉन्टैक्ट टर्म एंड कंडीशन ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो खैर ये क्विक रिव्यू था इसका एडमिन पैनल का। राइट।